अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जोया की दुनिया। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। ये है हिना पेस्ट, सेट होने के बाद मैं यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इस हिना पेस्ट को मैंने प्रिपेयर किया था यस्टरडे, यानी यही टाइम पर मैंने इसको प्रिपेयर करके रखा हुआ था अच्छे से सेट होने के लिए। हम हिना पेस्ट को जितना टाइम रखेंगे सेट होने के लिए, वो उतना ही अच्छा सेट होगा, यानी उतना ही अच्छा वो डाई रिलीज करेगा। अगर आपके पास टाइम रहा तो मैक्सिमम 24 आवर्स के लिए, यस वन डे के लिए इसको साइड में रख दें, ये अच्छे से सेट होगा। अगर आपके पास टाइम नहीं रहा, अर्जेंट रहा, तो एटलीस्ट मिनिमम 4 to 5 आवर्स इसको साइड में रख दें। तो फ्रेंड्स देखिए, जितना हम फेड़ते रहेंगे, जैसे कि हम थोड़ा सा जोर लगा के हम फेड़ते रहेंगे, पेस्ट उतना ही स्मूथ एंड सिल्की लाइक फ्लफी बनते रहेगा। तो दोस्तों आप लोग पूछते हैं कि जोया दीदी, हमारा हिना पेस्ट इतना स्मूथ क्यों नहीं बन रहा है? इसके दो रीजंस हो सकते हैं। नंबर वन ये है कि आप क्वालिटी वाला हिना पाउडर ही यूज करें। सेकंड ये है कि इसको हम अच्छे से सेट होने के लिए लॉन्ग टाइम तक साइड में रखें। ये हमारा हिना पेस्ट रेडी हो गया है। अब हम इस हिना पेस्ट को एक बार फाइनल में फिल्टर करेंगे स्टॉकिंग की हेल्प से। इसके लिए फर्स्ट हमें एक कप या बाउल के अंदर पाइपिंग बैग को रखना होगा। उसके अंदर हमें इस तरह स्टॉकिंग्स को इस तरह साइडों से कंप्लीट से ओपन करके इसके अंदर हिना पेस्ट को फिल करना होगा। ये देखिए, सारा हिना पेस्ट मैंने इसके अंदर फिल कर दिया। फर्स्ट हमें यहाँ पर स्टॉकिंग्स को इस तरह साइडों से निकाल लें। यहाँ पर हमें थोड़ा केयरफुल से निकालना होगा। नेक्स्ट देखिए, अब जो हमने रखा हुआ था पाइपिंग बैग को इस तरह फोल्ड करके पकड़ लें। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, दोनों को इस तरह थोड़ा सा फोल्ड करके एक हाथ से हमें टाइट से पकड़कर और एक हाथ से हमें टाइट से खींचना या फुल टाइट करना होगा। इसकी हेल्प से ये होगा कि स्टॉकिंग्स से हम फाइनल में स्ट्रेन करते हैं, क्योंकि हिना पेस्ट को प्रिपेयर करते वक्त, साइड में रखते वक्त, हम मिक्स करते वक्त कुछ भी छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स या पार्टिकल्स अगर कुछ भी मिक्स हुए, उसकी वजह से कोन्स के अंदर रुकावट आ जब हम अपने हाथों पर अप्लाई करते वक्त। इसीलिए फाइनल में स्टॉकिंग की हेल्प से एक बार हम इसको स्ट्रेन करते हैं। ये हमारा हिना पेस्ट, अब हम इसको कोन्स के अंदर फिल कर देंगे। कोन्स को किस तरह प्रिपेयर करते हैं, उसके अंदर हिना पेस्ट को किस तरह फिल करके फाइनल में किस तरह पैक करना होगा, ये सब कुछ डिटेल्स में वीडियोस में आप लोगों से पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोग वो वीडियोस नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, देख लीजिएगा। तो ये बन गए हैं स्पेशल ब्राइडल हिना कोन्स ऑर्डर्स पर। तो फ्रेंड्स, जब इंस्टाग्राम पर ऑर्डर्स आते हैं तब उसके बाद इतने बार पूछा जाता है कि जोया दीदी हमें ना फ्रेश कोन्स चाहिए, ओनली फ्रेश कोन्स ही चाहिए। जी हाँ दोस्तों, डोंट वरी, जब आपका ऑर्डर आएगा, यानी ऑर्डर कंफर्म होने के बाद हिना पेस्ट को प्रिपेयर किया जाएगा। हिना कोन्स के साथ सेंड किया जा रहा है थोड़ा सा नीलगिरी यानी यूकलिप्टस ऑयल, क्योंकि स्पेशल ब्राइडल्स के लिए। हाँ, हिना कोन अप्लाई करने से पहले कॉटन बॉल की हेल्प से अपने हाथों पर नीलगिरी ऑयल अप्लाई करें। इसकी वजह से हिना का स्टेन और डार्क आएगा। तो ये पैक तो रेडी हो गया है, अब हम देखेंगे कि ये हिना कोन का स्टेन किस तरह आएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी हिना कोन्स या नेल्स मेहंदी के कोन्स को ऑर्डर करना चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट हो सकते हो इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर। तो देखिए, हम देखेंगे सूख जाने के बाद। ये देखिए सूख गया है, तो मैंने यहाँ पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया, देख सकते हैं आप, जैसे कि शुगर सिरप, लेमन, कुछ भी अप्लाई नहीं किया, बस ये सूख गया है सेल्फ से। तो ये है फ्रेश स्टेन, प्योर एंड नेचुरल ऑर्गेनिक हिना का ये भी एक सिंबल होता है कि इसका फ्रेश स्टेन एकदम लाइट ऑरेंज कलर में आएगा। और आप यहाँ पर देखिए इस हिना कोन की कंसिस्टेंसी, यानी प्रिपेयर किए हुए, घर पर प्रिपेयर किए हुए हिना कोन्स की कंसिस्टेंसी अगर आप कंपेयर करेंगे मार्केट वाले हिना कोन्स से, और वो इतना स्मूथ नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट के कोन्स स्टॉक्स रहते हैं, यानी
मैंने प्रिपेयर करके एक ही बार इतने कोन्स प्रिपेयर करके रह जाने की वजह से वो इतना फ्रेश नहीं रहेगा और उसकी कंसिस्टेंसी इतनी स्मूथ एंड सिल्की नहीं होगी। हमने यूज़ किया था ट्रिपल फिल्टर लग्जरी हिन्ना पाउडर। ये भी एक मेन रीज़न होता है कि हिन्ना कोन इतना फास्ट एंड स्मूथ चलने की वजह। और इसका कलर भी देखिए ग्रीन कलर में रहेगा। अगर आप मार्केट वाले कोन्स यानी हिन्ना का कलर देखेंगे तो वो आपको ब्लैक कलर में दिखाई देगा। तो दोस्तों देखिए हिन्ना का स्टेन आफ्टर 12 आवर्स के बाद। हिन्ना पेस्ट सेट होने के लिए जैसे ही टाइम लगेगा वैसे ही उसका स्टेन हमारे स्किन पर आने के लिए टाइम लगेगा, यानी 24 आवर्स के बाद इसका स्टेन हो जाएगा डार्क। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। मैं हूँ आपकी जोया, अल्लाह हाफिज़।